कैसे हो भैया? स्विंग में इसको जितना मजा आता है जब मैं इसको झूला झुलाती हूँ ना, यूं करता है यूं गर्दन पीछे को। यस मेरा बच्चा, नो आई एम नॉट एंग्री बट डोंट बिहेव लाइक दिस। ओके क्या हुआ? या आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। हेलो run 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 coco baby run run coco baby run run mama run coco run 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 oh thak gaya mama thak gaya bhai thak gaya ai 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 oi oi be very careful abhi there is no kid sab log gaye honge aaj hai nahi log zyada I think they went out for Diwali shopping or something else. Go. Till the time you can slide, okay? Go. Play with them. And when my best friend will come? I don't know. Yes, yes, yes. You should go by stair. Now? Now it's much easier to control it. Right? Now? Thank you. Yes. Now do it. कम कम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। आई विल शो यू ये बोल रही, मुझे दिखाओ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं बच्चों को लेके आई हूँ पार्क में। तो आज नितिन भी साथ में गए आए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं अभी, नितिन सोसाइटी के चारों राउंड ले रहा है रूडी के साथ, क्योंकि रूडी क्या है कि अगर उसका प्राइम रुक जाता है ना तो वो उससे नीचे उतरने की कोशिश करता है। और अच्छा भाई, इसको देख लो, ये बोल रही है मुझे दिखाओ। हाँ हैप्पी हैप्पी देन डू इट। बस ये लगी हुई है ऐसे। ओके यू डू इट। हाँ तो अभी इनके साथ फिर क्या करना है, इनको थोड़ी देर खिलाऊंगी, उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को थोड़ा सा ना यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट लगती है। तो मुझे सरसों का साग जो आता है वो बड़ा पसंद है, वो लेना है। मैं तो उसकी 2-3 गड्डियाँ ले लेती हूँ और रेगुलर जब तक वो यू नो फ्रिज में उसको वैसे ही रख देती हूँ जैसे पैकेट में, अच्छे से बिना उसको धोए धाए गीला नहीं होना चाहिए, सूखा पैकेट में रख दो तो एज इट इट्स वो फ्रेश रहता है। और मैं रेगुलर एक एक गड्डी बनवाती हूँ, क्योंकि एक तो हेल्दी भी है और टेस्टी बहुत होता है। ये दिख रही है आपको जो येलो सामने, मैं थोड़ा जूम करूं, ये रहा हमारा घर, जिसको अभी मेरी पूरी दिवाली की पूरी प्रिपरेशन, मतलब बाहर से ऐसा लग रहा है। अभी तक मैंने आपको लास्ट टाइम अंदर से दिखाया था, तो जस्ट मैं कार में कुछ लेने के लिए आई थी अपना, तो इसलिए मेरे सामने ही मुझे लगा कि आपको ये भी दिखाऊँ कि कैसा लग रहा है। तो मैं अपनी कार में ना, मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक वेजी है वो थोड़ी सी निकल गई है, उसे ठीक कराने के चक्कर में हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैंने काफ़ी सारी वेजी मैंने ऑर्डर करी है, वेज हील आई मीन, तो वो मतलब उसमें आ ही नहीं रही हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो ली थी मेट्रो से ली थी, DLF नोएडा से, तो अभी फिर से मेरी सर्च जा रही है, लेकिन जब तक का मेरे को कोई अच्छी वेजीज नहीं मिलती हैं फुटवेयर में, तो तब तक मैं सोच रही हूँ उसको इसका कुछ किया जाए, कॉबलर के पास लिया जाए, तो इसीलिए मैं आई थी। और साथ ही मुझे लगा कि मैं आपको ये दिखाऊं, क्या कहते हैं इसे, अपना घर का बाहर का दिखाती हूँ। और ये इस तरह से ऑलमोस्ट सब लोगों ने अपने घर सजा लिए हैं, कुछ बचे हैं शायद उनकी तैयारियाँ चल रही होंगी, बाकी ये रहा
क्लब हाउस जो इस तरह से सजाया हुआ है, बट आई डोंट नो इन्होंने स्टार्टिंग जो मेन गेट है वो क्यों नहीं सजाया है। वैसे वो भी सजना चाहिए था, बट लेट्स सी, क्या पता सजाएंगे। तो ये रहा पूरा। तो जब तक खो खो अपनी क्लास ले रही है, रूडी ने पूरा प्रण लिया है कि वो इस यहाँ की ना घासें उखाड़ के रहेगा। देखना ज़रा, लग गया खेलने में बट कुछ नहीं। वैसे व्हाट हैपन बेटा, कहाँ हुआ बच्चे? गो देयर। तो खो खो के ट्राइकोंडो क्लासेस हो गई हैं ओवर, हो गई है ओवर। और अभी हम क्या सोच रहे हैं, थोड़ी सी भूख लगी क्योंकि 5:30 निकल गई थी पार्क में, उसके बाद खो खो की क्लास। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना गोलगप्पे खा लें। और रूडी रहा ये बस कहीं आते ही ना ये मेरे से चिपक जाता है। किसी हम जगह पे आते हैं तो ये हमसे चिपक जाता है। तो अभी हम जाएंगे गोलगप्पे खाएंगे। और आज का ब्लॉग मैं कर देती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।